की एजुकेशन के संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इस देश में एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुका है। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने स्कूल्स हैं, और मुझे ही लगता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, सिलेबस वाइज, क्लास वाइज अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं उनको क्लासरूम में, एक गांव के स्कूल में जहाँ टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, टीचर्स भी देखें, बच्चे भी सुने, उसके बाद बच्चे टीचर से पूछें और टीचर जवाब न दे पाए तो नोडल एजेंसी के रूप में सीनियर सिटीजन जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, सीनियर पोजीशन से गवर्नमेंट में रिटायर्ड हैं, जिन्हें काफ़ी हैवी पेंशन मिल रही है, वो मेंटर का काम करें, उनको करेक्ट करने का काम करें। अब चाहे वाईजू हो चाहे उडमी हो, ये कमर्शियल कोचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा कहना है कि आप जियो की तारीफ हमें करनी होगी। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस टू सी जियो में, जियो टीवी के थ्रू मुकेश अंबानी जी ने केजी क्लास से लेकर क्लास 12 तक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों मीडियम विभिन्न बोर्ड के, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे SE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सभी के सिलेबस के अनुसार वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे। इसका लाभ उन स्कूलों को क्यों नहीं मिलना चाहिए जहाँ टीचर्स की क्वालिटी में संशय है? आपने देखा होगा रोज कंप्लेंट आती रहती है कि गांव में टीचर्स को ये नहीं पता, वो नहीं पता। जब टीचर्स को नहीं पता तो वो पढ़ाएंगे क्या? मैं तो उससे ऊपर की बात कहता हूँ कि एकेडमिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। अगर मुझे हार्वर्ड का कोई लेक्चर अच्छा लगता है, कोई कंटेंट अच्छा लगता है, या स्टैनफोर्ड या MIT का अच्छा लगता है, या किसी IIT या IIM का अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम किए हैं अपने समय में, इंडेक्सिंग कर सकते हैं अच्छे लेक्चर्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो। मैं जियो में देख रहा था, इवन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, और सिविल की तो मैंने सॉइल मैकेनिक्स में कंपैक्शन का एक लेक्चर देखा, बड़ा अच्छा लगा। फील्ड में जब आदमी काम कराता है तो ध्यान नहीं देता, जब कंपैक्शन ही प्रॉपर नहीं होगा तो रोड की क्वालिटी बिगड़ेगी निश्चित रूप से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह से जो लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड बेस्ट ऑफ बेस्ट लेक्चर की इंडेक्सिंग बहुत कम लागत से संभव है, और मेरे संज्ञान में 15 लाख करोड़ तो इंडिया में एजुकेशन का बजट है, ये कम भी हो सकता है, इसको काफ़ी अफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दिशा में आगे बढ़ें। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं थोड़ा सा सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, और उसमें मुझे लगा कि भाई सनातन धर्म के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब में अच्छा लगा, मैंने उसका कुछ कंटेंट उससे लिया, कुछ दूसरे लोगों का कंटेंट उससे लिया,
और मुझे लगा कि एक प्रभावी प्रेजेंटेशन बन गया। मैंने जब उसको अपलोड किया तो एक हफ्ते बाद यूट्यूब का नोटिस आया कि हमने आपके यूट्यूब चैनल को पहला स्ट्राइक दे दिया है, 3 मैक्सिमम स्ट्राइक मिलेंगे, उसके बाद हम आपके यूट्यूब चैनल को ब्लैकआउट कर देंगे। आप चाहें तो जिसका कंटेंट आपने यूज़ किया है, क्योंकि कॉपी राइट का उल्लंघन है, उसका अनुमोदन ले लीजिए तो हम ये स्ट्राइक खत्म कर देंगे। मैंने प्रयास करके जिनके कंटेंट से उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं हमारा उद्देश्य भी यही है, आपका उद्देश्य भी यही है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे को सहयोग करें। मैं तो आपका ही महिमा मंडल कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा कि भाई मैं आपकी कंटेंट की कॉपी करके वॉइस की या टेक्स्ट की उसको रिपीट करूँ, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। तो आप जरा यूट्यूब को लिख दीजिए। उन्होंने कहा नो सर, आपको हमसे प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी। अब दिक्कत ये है कि ये परमिशन लेने का तरीका बहुत जटिल है। कहने को आसान है, कहने को अच्छा लगता है कि परमिशन लेनी चाहिए, मगर ये प्रैक्टिकली संभव हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि जितने लोग वेबिनार पेड कर रहे हैं और उसकी वो कॉपी भी ना सोशल मीडिया में शेयर नहीं करते, वो उसी तरह का है जैसे कि अब कंसल्टेंट क्या करते हैं व्यवहारों में। कंसल्टेंट एक ब्रिज के डिजाइन की कंसल्टेंसी करेंगे और उसी को रेप्लीकेट करते रहेंगे, सड़क का डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे, उसी को रेप्लीकेट करते रहेंगे, और विभाग मन माने पैसे देता है उसके। मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि भाई एक तरह की कंसल्टेंसी में आप चाहे 40% ज्यादा ले लीजिए हमसे, मगर हमारे 10 लोगों को उस लेवल का डिजाइन करना आप सिखाइए। तो अब ऐसा क्लॉज मानने को कंसल्टेंट तैयार नहीं होते, ऐसा क्लॉज मानने को डिपार्टमेंटल हेड तैयार नहीं होते। तो इस तरह से तो वेस्टेज ऑफ मनी है। आप अगर एक नई पौध तैयार करते हैं कंसल्टेंट की और कुछ यंगस्टर सीख जाते हैं डिजाइन करना या उसी प्रकार की कंसल्टेंसी देना, तो इसे देश का भला है कि नहीं? तो मेरा कहना यह है कि अपने देश में नाना प्रकार के सुधार की जरूरत है, बल्कि अपने देश में क्या, ये समस्या तो इंटरनेशनल है। और इंटरनेशनल समस्या यही है कि छोटे कॉलेज भी हैं, रेप्यूटेड कॉलेज भी हैं, बदनाम कॉलेज भी हैं, मगर पीएचडी सभी की बराबर, लगभग जहाँ आपको किसी को फेवर करना हो और पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो बस टिक कर दिया था कि इसको पीएचडी है, कर ली है, आप पीएचडी नकल से की है, अकल से की है, पैसा दे के की है, कोई भी रिपोजिटरी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है कि इस सब्जेक्ट पे कितनी रिसर्च हुई है, कितना काम हुआ है, किसी ने कॉपी एंड पेस्ट से तो पीएचडी नहीं कर ली, किसी ने गाइड को खरीद के, जब गाइड तो मेहनत करते रहते हैं, उनके पेपर छपते रहते हैं, तो भाई ऐसे बातें भी सुनने में आती हैं कि आप 10 लाख दे दीजिए और घर में बैठिए और गाइड जो है पेपर में जो पेपर पब्लिश होंगे उसमें आपका नाम देता रहेगा और कुछ साल बाद आपकी पीएचडी आपको घर बैठे मिल जाएगी। इस चीज को अगर हम लोग खत्म नहीं करेंगे ना तो आरएनडी कैसे आगे बढ़ेगी, योग्य लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए,
एजुकेशन को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। किसी ने एक लेक्चर किसी सब्जेक्ट पर अच्छा दिया गया है तो उसकी रेटिंग कैसे हाई की जाए, उसको इंसेंटिव किस प्रकार से दिए जाए। दुनिया में मान लीजिए चाहे क्लास 10 की एजुकेशन हो, चाहे बीटेक लेवल की एजुकेशन हो, चाहे एमटेक लेवल की एजुकेशन हो, हर एक के सिलेबस हैं और सिलेबस के अनुसार फिजिकल लेक्चर होते हैं। और फिजिकल लेक्चर देते समय हर टीचर, मैं भी टीचर रहा था, तो हर टीचर हर पूरे सिलेबस में परफेक्ट नहीं होता है। मैं आपकी आपको अपनी बताता हूँ कि मैंने मेरे वाइब्रेशन के प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, रुकी में डॉक्टर ग्रोवर, मास्टर्स लेवल पर भी उन्होंने हमें वाइब्रेशन पढ़ाई और मैंने एमटेक की थीसिस भी उन्हीं के अंडर में की थी नॉइस कंट्रोल पर। वो एक्चुअली तब तक वाइब्रेशन में काम करते थे, जब थीसिस की बारी आई तो उन्होंने वाइब्रेशन की जिस नॉइस कंट्रोल में घुसने की कोशिश की और मुझे टॉपिक अच्छा लगा, मैंने टॉपिक लिया। उसके बाद यूजीसी में इंटरव्यू देने पहुंचे तो हमारे वाइस चांसलर चांसलर भी रुकी के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है भाई, पीएचडी किए बिना तो हम आईटी में आपको लेक्चरशिप के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते, पहले पीएचडी के। तो साहब दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 परमानेंट वैकेंसी थी और उन्होंने पहले नंबर पर हमें सिलेक्ट कर लिया और मैं मुझे फाइनल ईयर की मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ाने के लिए कहा गया। और जब मैं पहले दिन क्लास में पहुंचा, आई वॉज टू यंग, ऑलरेडी 22-23 की एज रही होगी, बच्चे भी कुछ जो बीएससी एमएससी करके आए थे हमारे एज के थे, बोले सर ये सब्जेक्ट तो आपको गलत दे दिया गया, इस सब्जेक्ट में तो मैक्सिमम सप्लीमेंट्री आती है और ये तो प्रिंसिपल लेते थे। इनका लुक नथिंग लाइक फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज राइट, आई टेक द गारंटी, वॉट एवर आई विल अटर इन द क्लास इट विल लैंड इन टू हेड, इट कैनॉट गो हियर एंड देयर, एंड इवन देन इफ यू फील you are not catching my point or you are not understanding a subject, you can leave my class and I can give you attendance without attending the class. I will come 10 minutes late in the class, leave you 10 minutes before, and whatever I will teach you in the class, you cannot learn at home. यदि आप उसको समझ सकते होंगे तो मैं बुक का रेफरेंस दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये था, मैं एक्चुअली कोई पढ़ाने की तैयारी नहीं करता था सिलेबस के हिसाब से। मेरा पहले 6 महीने कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं मास्टर्स लेवल पर जो मैकेनिकल वाइब्रेशन की नॉलेज रखता हूँ वो बच्चों को एज इट इज ग्रेजुएट लेवल पर दे दूँ। और मेरा मानना था कि अगर मैं अपनी नॉलेज का 80% भी ईमानदारी से बच्चों को अगर दे देता हूँ तो ग्रेजुएट लेवल पर इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर देम। और इस बारे में मुझे सफलता मिली और मैंने मेरे जो स्टूडेंट थे एक साल बाद कहने लगे, रिजल्ट तो 100% था ही, साहब ये सब्जेक्ट हम पढ़ा लेंगे। अब दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज की उन दिनों रेपुटेशन ये थी कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स भी नहीं थे, प्रिंसिपल भी साइकिल पर आते थे, मेरे पास तो विजय स्कूटर था। और मजे की बात ये थी कि जो टीचर्स इन किताबों से पढ़ाते थे उनके रेफरेंस नहीं बताते थे, उस पर अखबार चढ़ा के ले जाते थे, बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए कहाँ से पढ़ा रहे।
और मैं ये कहता था, देखो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन की बुक या अप्लाइड मैकेनिक्स की बुक हमारे प्रोफेसर्स की लिखी हुई है, और मैंने इंट्रोड्यूस की इस कॉल भाई, और मैं एक बात ये भी कहता था, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती थी या मैंने क्रैम की हुई होती थी तो मैं ईमानदारी से कहता था, भाई ये बात समझ में आई नहीं मुझे, मैंने क्रैम की है तो आपको भी ऐसे ही समझना पड़ेगा। मगर जब मैं ईमानदारी से ये बात कहता था तो क्लू समझ में आ जाता था। मैं बच्चों से कहता था, देखो विद्यादान महादान, मैंने ईमानदारी से आपको सब कुछ बताया, अगली सीढ़ी मुझे खुद दिखाई दे गई। इसका लॉजिक ये है, जनरली टीचर्स जो चीज नहीं आती है घुमा के बताते, ये बीमारी निश्चित रूप से अभी तक है, और हमने आज से 50 साल पहले एक नया सिस्टम चालू किया था, क्योंकि जितना आता है उतना तो ऑनेस्टली बताओ, जो नहीं आता है वो ऑनेस्टली बच्चों के साथ पढ़ो, बच्चे भी इम्प्रूव करेंगे, आप भी इम्प्रूव करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया भर में इतने लेक्चर्स हर क्लास के होते रहते हैं, थोड़ा सा काम बाकी है, यूनेस्को और डिफरेंट गवर्नमेंट्स कॉपीराइट एक्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जिसको जितना पैसा चाहिए अगर उनका लेक्चर अच्छा है तो एज इंसेंटिव उनको दें। मैं ये तरीका कदापि ठीक नहीं है कि कॉपीराइट आईपीआर के वजह से हम किसी का कंटेंट ना यूज कर पाए। इस बारे में मैं चाहूंगा आप लोग सहयोग करें, इसको एक अभियान की तरह से चलाएं, तो बच्चों का भी भला है और सभी का भला है। थैंक यू वेरी मच। शर्मा।